इसमें तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारे इनको पकड़ना चाहिए, और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, श्रीनगर और बडगाम में सेना और आतंकियों के बीच एक के बाद एक मुठभेड़ हुई है। इन ताबड़तोड़ हमलों में कुछ आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि सेना के कुछ जवान भी घायल हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक हुए इन हमलों और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार गठित होने के बाद अब इन हमलों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने सवाल खड़े किए हैं। इसमें एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खान्यार में भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर, हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है, मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए, और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, वही रास्ता है। खान्यार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया, हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं, इन सालों में क्यों नहीं किया, मुझे इस पर तश्वीश है। सब किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाही मत कीजिए, ये इन चीजें कामयाब नहीं होंगे, हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह, लोग इसके साथ नहीं है। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं है। मैं इस बात में ये कहूंगा कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारे इनको पकड़ना चाहिए, और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे, कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है? हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहां से आ गई, यहां तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। बडगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इसे सिक्योरिटी लैप्स कहा जाना सही नहीं होगा, बल्कि पहले के मुकाबले आतंकी घटनाओं में बेहद कमी आई है, और जो हमले करते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। सिक्योरिटी लैप्स का प्रश्न नहीं है, यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी, अब तो बहुत ही कहा जाए कि अब पहले के कंपेरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं, और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। जिस तरह से परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद, अटैक बढ़े हुए हैं, कुछ जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं, इधर एक दो तीन चार घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, बहुत बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं।